जब किसी के चेहरे पर कील, मुहासे, पिंपल्स, एक्निक से संबंधित स्किन पर छोटे छोटे चेहरे पर दाने पड़ जाते हैं, उसमें पस निकलने लगता है, उसमें मवाद आने लगता है, कभी कभी ये छोटे छोटे पिंपल्स गांठ की तरह आपके चेहरे पर एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से पूरे चेहरे पर ये हो जाता है, तब उस समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये सॉप यानी ये साबुन लगाने के लिए दिया जाता है। जैसे कि और इस सॉप यानी इस साबुन का उपयोग किस प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन की समस्या में किया जाता है, या फिर स्किन से रिलेटेड क्या दिक्कत क्या परेशानी रहती है, स्किन पर किस प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, तब डॉक्टर के द्वारा किन किन स्किन इन्फेक्शन की समस्या में ये सॉप या फिर ये साबुन लगाने के लिए दिया जाता है, इसके बारे में आज हम आपको हिंदी में जानकारी देंगे। जैसे कि अगर किसी के चेहरे पर पिंपल्स या फिर एक्निक से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या रहता है फेस पर, जैसे कि आपने देखा होगा किसी के चेहरे पर पिंपल्स हो जाता है, एक्निक की प्रॉब्लम आ जाता है, पिंपल्स की समस्या जब किसी को रहता है तो उसमें पस निकलने लगता है, एक पिंपल्स की जगह दूसरी पिंपल्स निकलने लगता है, पिंपल्स कील मुहासे पूरे चेहरे पर हो जाता है, चेहरा ख़राब हो जाता है, और बहुत सारे क्रीम बहुत सारे दवाइयां खा लेते हैं उससे आराम नहीं मिलता है, तब डॉक्टर के द्वारा ये साबुन स्किन पर लगाने के लिए दिया जाता है, यानी तब ये साबुन स्किन पर अप्लाई करने के लिए डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है। ये साबुन आपके चेहरे पर जो कील मुहासे की समस्या रहता है वो ये साबुन ठीक करता है। जैसे कि जब किसी के चेहरे पर पिंपल्स या फिर यकनिक या फिर कील मुहासे फोड़ा फुंसी की समस्या हो जाता है, तब उस समय क्या होता है, चेहरे पर अप्लाई करने के लिए ये साबुन दिया जाता है। मुहासे की ग्रोथ को रोकता है, यानी जब किसी के चेहरे पर कील मुहासे रहता है और उसे बढ़ने नहीं देता है, उसे धीरे धीरे ये एकदम खत्म कर देता है कील मुहासे की समस्या को। और जैसे कि जो इस साबुन में साल्ट पाया जाता है, बेंजोइल परऑक्साइड, और इस साबुन में और भी इसके अलावा कंपोजिशन पाया जाता है, जैसे कि बेंजोइल परऑक्साइड के साबुन के कंपोजिशन में क्लिंडामाइसिन भी होता है कई कई साबुन में। और जैसे कि जब किसी के चेहरे पर हम कह सकते हैं या फिर पिंपल्स की समस्या हो जाता है, उसमें मवाद आने लगता है, कील आने लगता है, उसमें पस निकलने लगता है, मुहासे में आपने देखा होगा रेडनेस आ जाता है, रेड कलर के दाने पड़ जाते हैं, कभी कभी ब्लड भी निकलने लगता है, और जैसे कि कील मुहासे पिंपल्स ऐसा होता है ये आपके पूरे चेहरे पर हो जाता है, पूरे चेहरे पर एक तरह से एकदम चेहरा भद्दा लगने लगता है, तब उस समस्या में यह डॉक्टर के द्वारा चेहरे पर अप्लाई करने के लिए दिया जाता है कील मुहासे की समस्या में। जैसे कि इस साबुन का उपयोग कील मुहासे पिंपल्स एक्निक और स्किन से रिलेटेड कोई समस्या रहता है उसे ये ठीक करता है, यानी स्किन पर अगर किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन रहता है तो ये साबुन उस समस्या को पूरी तरह से ठीक करता है। जैसे कि ये साबुन लगाने के बाद में जो आपके चेहरे पर पिंपल्स एक्निक फोड़ा फुंसी की समस्या रहती है, कील मुहासे की समस्या रहती है, ये सारी स्किन इन्फेक्शन को ठीक कर देता है, उसके बाद में आपका चेहरा सुंदर दिखाई देता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं ये साबुन लगाना कैसे होता है। अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स एक्निक या फिर कोई भी स्किन इन्फेक्शन है तब डॉक्टर के द्वारा ये साबुन स्किन पर अप्लाई करने के लिए बताया जाता है, यानी ये साबुन दिन में 2 से 3 बार डॉक्टर के द्वारा अप्लाई करने के लिए स्किन पर बताया जाता है। कम से कम ये साबुन दिन में 2 बार स्किन पर अप्लाई करने के लिए डॉक्टर बताते हैं। चलिए अब हम आपको इस साबुन के साइड इफेक्ट के बारे में बताते हैं। जैसे कि ये साबुन लगाने के बाद में अगर आपके स्किन पर ईचिंग सा महसूस होने लगे, यानी स्किन पर खुजली के जैसा महसूस होने लगे, रेडनेस सा होने लगे वहाँ पे, और जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा स्किन पर लाली पड़ने लगे, तब ये साबुन तुरंत बंद कर दें और अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से जरूर संपर्क करें। इसके अलावा अगर आपको और कोई दिक्कत और कोई परेशानी है तो एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से जरूर संपर्क करें। कभी भी आप कोई भी इंजेक्शन, कोई भी मेडिसिन, कोई भी साबुन, कोई भी क्रीम आप अपनी मर्जी से उपयोग ना करें।